सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग सीजे। कैसे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक के स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, टिकटॉक अपना खुद का स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है, वो भी चाइना के अंदर। और ये जो स्मार्टफोन है वो पर्सनली टिकटॉक के लिए ही आया है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको कैमरे का सेटअप काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है एंड काफी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ ये जो फोन है वो आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी से रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है एंड इस फोन की प्राइस क्या होने वाली है, तो वो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये जो फोन है इस फोन का फर्स्ट लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रंट पे आपको 6.39 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाली है। एंड अगर बात करें बैक साइड के बारे में, तो बैक पे आपको क्वाइट कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसका रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है एंड जो सेकेंडरी कैमरा होने वाला है वो है 30 मेगापिक्सल का एंड जो थर्ड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का एंड जो फोर्थ कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। आई मीन काफी बेहतरीन बैक पे आपको सेटअप देखने को मिलने वाला है क्वाइट कैमरे का सेटअप। एंड साइड पे आपको एक फ्लश भी देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी शानदार लुक में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर बात करें फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो फ्रंट पे आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी शानदार होने वाली है। और साथ ही यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। एंड अगर बात करें इस फोन की प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जो कि अभी तक की लेटेस्ट है। एंड अगर बात करें यहाँ पर रैम एंड रोम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम। एंड यहाँ पे आपको एक और वेरियंट देखने को मिलने वाला है, जो कि 8GB रैम प्लस 256GB रोम के साथ आने वाला है। ये दोनों वेरिएंटों को आप लोग अलग अलग प्राइस के हिसाब से परचेस कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वेरिएंट का कितना प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8GB रैम प्लस 128GB रैम की है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 29,000 रुपये, वो भी चाइना पे। एंड इंडिया पे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट ये जो प्राइस है वो है चाइना की। एंड अगर बात करें सेकेंड वेरियंट की, जो कि 8GB प्लस 256GB रोम के साथ, वो आपको 32,000 रुपये के करीब देखने को मिलने वाली है। थोड़ा जो प्राइस है वो थोड़ा बजट के बाहर है, बट ये जो फ़ोन है वो काफ़ी तगड़ेदार होने वाला है। हालांकि इंडिया पे आने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये जो प्राइस है वो चाइना की प्राइस है। एंड देखते हैं ये जो फ़ोन है वो इंडिया पे कब लॉन्च होता है। हालांकि ये जो फ़ोन है वो चाइना पे लॉन्च हो चुका है एंड इंडिया पे अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि ये जो फ़ोन है वो कितने तारीख को लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा। हो सकता है ना भी हो सके एंड हो सकता है हो भी सके, क्योंकि इंडिया पे भी काफ़ी सारे टिकटॉक के यूज़र्स है, तो हो सकता है कि इंडिया पे भी ये जो फ़ोन है वो लॉन्च हो जाए। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।